ममता सीए के नाम पर राजनीति न करें, यह उनकी तरफ से कहा गया। सीएम ममता बंगाली हिंदुओं का अहित न करें। ममता को शरणार्थी घुसपैठिए का फर्क नहीं पता, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तमाम बातें अमित शाह ने कहा और कहा ममता सीए को न रोके। तो अमित शाह की तरफ से ममता बनर्जी को भी जवाब दिया गया है, जो लगातार सीए का विरोध कर रही हैं। सीए का विरोध असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। ओवैसी बताएं सीए कैसे मुस्लिम विरोधी है। सीए मुस्लिम विरोधी नहीं है कहना अमित शाह का। जिन पर धार्मिक अत्याचार उन्हीं को सुविधा, जिन पर धार्मिक अत्याचार हो रहा है उन्हीं के लिए सीए आया। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जिस पर